मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 जनवरी 2023 ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। 18 जनवरी स्मृति दिवस यानी कि याद का दिन दुनिया भर में ब्रह्मा कुमारियों के सभी केंद्रों में सबसे अधिक मनाए जाने वाले अवसरों में से एक है। इसी दिन 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार शरीर छोड़ा था। दादा लेखराज एक साधारण और फिर भी एक असामान्य व्यक्ति थे। एक सफल स्वनिर्मित व्यवसायी, एक पारिवारिक व्यक्ति और अपने समुदाय का एक स्तंभ। उनके कई मित्र स्नेह के प्रतीक के रूप में उन्हें दादा या बड़ा भाई कहते थे। अपने शरीर में भगवान के अवतरण के बाद उन्हें एक अलग नाम दिया गया जो उनकी नई भूमिका के अनुरूप था। प्रजापिता ब्रह्मा मानवता के पिता, उनको ब्रह्मा बाबा के नाम से याद किया जाता है। ब्रह्मा बाबा की विशिष्टता न केवल उच्चतम गुण रखने में थी बल्कि उनके संपर्क में आने वाली आत्माओं में उन्हीं गुणों को लाने की क्षमता में भी थी। ब्रह्मा बाबा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि संपूर्ण बनना संभव है, मन और भावनाओं पर काबू पाना संभव है, एक पूर्ण भाग्य बनाना संभव है। स्मृति दिवस उनके द्वारा प्राप्त इस पूर्णता और उनके अद्वितीय गुणों को याद करने का अवसर है। तो बाबा को आज दिल से याद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम सबको ज्ञान मार्ग पर लाने के निमित्त बने, परमपिता परमात्मा का हमसे संबंध जोड़ने के निमित्त बने, हमारे जीवन को परिवर्तित करने के निमित्त बने। तो आज के श्रद्धांजलि दिवस में बाबा को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके जीवन में विश्व कल्याण की जो भावना थी वो भावना हम भी अपने दिलों में जागृत रखें और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से आज की मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा के मधुर वचन। बाबा ने प्रश्न पूछा कि भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। और उत्तर में बाबा कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी कखपन है वह सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां यानी कि भविष्य में सब कुछ लेंगे, यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहां हम थोड़ा समय है और फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, जब यहां आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। यह अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है। जब तक जीते हो बाप को याद करते रहो, याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आधि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है कि ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है,
दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे ना तो उनको तीर लग जाएगा, और जिनको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। बाबा को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं तो बाबा को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं कि मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है, और सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं मलकियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते हैं, बहुत खामी है। बाबा कहते बहुत खामी है ही कि देह अभिमान की बहुत बड़ी कमी है ये। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता है, बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं तो बच्चों को भी इतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझानी भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप क्या ही कर सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं, और तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है ना, बड़ी ट्विस्ट वाली बात। बाबा कहते जिनके पास कुछ नहीं उनके पास जैसे सब कुछ है, क्योंकि बाप को दे दिया ना अभी संकल्प से, तो भविष्य में सब कुछ मिलेगा। तो तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये कुछ कखपन है सभी आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। यहाँ दे दिया कखपन और वहां सब कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह बाप कितना लवली प्योर है, वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कौन सी प्रतिज्ञा? कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे, इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना, तो कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। तो बाप भी जौहरी है ना,
तो पाप को एक एक रत्न को देखना होता है। ये कौन सा रत्न है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे, और अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। तो बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे दो मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तो जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। तो देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा को याद करो, बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। तो ऐसे बाप की याद में नशे में चकना चूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। तो ऐसे बच्चे बाप को प्रिय लगते हैं, शुभ कार्य में राइट हैंड को ही लगाते हैं। तो बाप कहते हैं, हर बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंत मती सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधादोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे, और देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, और देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, उसी फिकरात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ, बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते हैं, तो बाबा भी देखते हैं हमें। तो शुरू शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अव्यक्त महावाक्य है 1977 के। तो बाबा कहते हैं कि सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, या आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो, तो बाबा पूछ रहे हैं। तो जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। तो इस स्थिति में सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अति इंद्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है।
जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है और टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो, वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। तो देखो बाबा ने कितना पावरफुल स्थिति हमें बताई है कि हमारी कैसी होगी, कि हम आवाज से परे संकल्प की, जैसा संकल्प करेंगे वैसी सिद्धि हो जाएगी, वो पाठ भी आएगा। लेकिन इस सिद्धि की विधि क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, इसे ही गोल्डन एज स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा, बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल संबंध व संपर्क में बैलेंस हो, तो बोल कर्म संकल्प संबंध व संपर्क साधारण की बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा, क्या आवाज निकलेगा, कि ये तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या चाहिए, बाबा कहते स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज चाहिए, और स्वयं का पुरुषार्थ भी करना है साथ में सेवा की भी स्पीड तेज चाहिए। तो विश्व की अधिकतर आत्माएं पाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो कारण में बाबा कहते अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। बच्चे अपने को चेंज करने में, है ना, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, स्व परिवर्तन में बहुत समय लगाते हैं। तो जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। बहुत बिजी रहते हो ना, तो वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। तो जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप, तो इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे, वो नहीं कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। तो जैसे हम स्पेस में जो भेजते हैं यान, उनका पूरा कंट्रोल यहाँ नीचे जो हमारा ऑफिस है ना, तो वहां पर रहता है, या वहां से हम बटन दबाकर उनको मैसेज भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं आप साइलेंस की शक्ति से भी ऐसा कर सकते हो, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से किसी भी आत्मा को कुछ भी संदेश भेज सकते हो। तो उसके लिए बाबा कहते क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो, बेहद की वृत्ति में आना पड़ेगा हमें। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा अब क्या करना है, आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन कौन सा है, संकल्प की श्रेष्ठता। संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा, प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान बता रहे हैं,
बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, तो फाइनल प्लान में अथक मन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव, साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। आज का स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।